चलो आ जाओ सुनते हैं। ये भीड़ दरअसल बैंगलोर एयरपोर्ट टोल के लिए लगी है। ये देखिए लंबा लाइन, सबको उड़ के जाना है। हेलो यूट्यूब, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलॉस्ट ऑन व्हील। दिस प्लेस इज गुड़ी विदानूर एंड वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेकफास्ट ब्रेक। Today's destination is Jaimangli Blackbuck Conservation Reserve in Tumkur district. तो यहाँ से कच्चा रास्ता चालू हो जाता है और हम लोग देखने आए हैं ब्लैक बग्स। हाँ जी, ब्लैक बग वही प्राणी है जिसने सलमान खान को फेमस बनाया था। तो लेट्स कीप आवर चैनल फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन और हम चलते हैं ब्लैक बग को शूट करने अपने कैमरा लेंस से। ये वाला पहला वॉचटावर है और वो पीछे रहा गेट आपका। अभी तक तो दिखा नहीं एक भी ब्लैक बग। चलो लेकिन ढूंढना जारी है। सो नाउ वी आर इनसाइड जयमंगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है जंगल और ये झाड़ियों के पीछे कहीं ना कहीं ब्लैक बग या फिर हिरन या फिर फॉक्स कुछ तो छुपे हुए होंगे लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली स्पॉटिंग वाइल्ड लाइफ इज प्योर लक। वी सॉ वन पीहन बट इट वैनिश समवेयर इन बिटवीन दिस बुशेस। और देखते हैं अगर कुछ ब्लैक बग वगैरह हम लोग स्पॉट कर पा रहे हैं कि नहीं आज। ये देखिए कांटेदार, शायद बबून के पेड़ है। वो वहाँ एक दूर है लेकिन गोप्रो में नहीं दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर एक दिखी, रिलैक्स कर रही है वहाँ पे। रन तो ये वाला ब्लैक बग सेंचुरी 3.3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जहां तक मुझे इंटरनेट से डाटा मिला, ड्यूरिंग 1992 द काउंट ऑफ ब्लैक बग इन दिस सेंचुरी यूज्ड टू बी 600। अभी का कितना है उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये वाला जगह बैंगलोर से काफी नजदीक है, अराउंड 130 किलोमीटर एंड आइडियल प्लेस टू स्पॉट ब्लैक बग्स। तो जयमंगली इज वन ऑफ द अदर ब्लैक बग सेंचुरी अलोंग विद रानेबेनूर इन कर्नाटका। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज इफ यू आर प्लानिंग फॉर जयमंगली देन दिस प्लेस इज अराउंड 30 टू 40 किलोमीटर फ्रॉम मधुगिरी एंड सेम 30 टू 20 किलोमीटर फ्रॉम हिंदुपुर। तो अलोंग विथ जयमंगली यू कैन क्लब अप आइदर मधुगिरी बेटा दैट इज अ फोर टन ट्रेकिंग और लेपाक्सी इन हिंदुपुर डिस्ट्रिक्ट। तो लेपाक्सी का खासियत यह है कि जब सीता मैया को रावण हर के ले रहे थे उस टाइम में जटायु से उनका फाइट हुआ था और
एंड में क्या हुआ था कि जटायु का पंख रावण ने काट दिया था, इसके वजह से जटायु नीचे गिरे थे और वो जहाँ पे गिरे थे वो वाला जगह का नाम है लेपाक्षी। तो लेपाक्षी में आपको बहुत पुराना मंदिर मिलेगा जहाँ पे कि हनुमान जी का फुटप्रिंट्स भी अवेलेबल है और वहाँ पे काफी बड़ा नंदी स्टैचू है अलोंग विद मिस्टीरियस हैंगिंग पिलर। एक्चुअली यहाँ पे काफी बड़ा झुंड हमें दिखा था लेकिन दिक्कत वही हुआ कि बाइक का आवाज से भाग गए वो लोग। एक अराउंड 20 प्लस का झुंड था वो वाला। एक्चुअली वो जंगल है ना उसके अंदर बहुत सारे हैं, दूर से तो दिखाई दे रहे हैं घूम रहे हैं करके, लेकिन दिक्कत वही है कैमरा निकलते ही भाग जा रहे हैं। ये देखिए ब्लैक बर और डियर्स के पग मार्क्स। सी ब्लैक बक्स ब्लैक सीट। आए थे ब्लैक बक देखने और अपना टायर ही पंचर हो गया। ये पहली बार के लिए ऐसा कांड हुआ है और अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच है। एंड द कल्प्रिट इज दिस। काफी बड़ा था। After the puncture incidents, which thankfully didn't happen inside a tiger reserve, I was in no mood to record. However, Varun ventured further to click some awesome photographs. Thereafter, we learned about a puncture shop in nearby village and I rode my bike till the shop somewhat like this for nearly 3 kilometers. ये देखो जब गाड़ी पंचर हो जाती है ऐसे टंकी के ऊपर बैठ के चलाना रहता है। चलो थैंक्स गॉड अभी पंचर ठीक हो गया और नहीं देखनी है ब्लैक बग्स। अभी निकलते हैं बेंगलोर के लिए। तो माफ़ करना दोस्तों जो थोड़ा बहुत फुटेज या फिर फोटोज हमने दिए हैं वही बस मैं इस ब्लॉग में डाल दूंगा, क्योंकि पता है ना कितना बड़ा कांड हो गया, पूरा फंस गए थे जंगल के बीचों बीच। लकीली हुई है एस्केप्ड। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी और एक डेस्टिनेशन के साथ।